यदि हम केवल एक दिन के लिए कुछ समय तक महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और ये अपेक्षा रखें कि वो तो बस अभी सारा वर्ष हमारे पास विराजित रहे, क्या ये संभव है? तो ऐसा बनना पड़ेगा जो साक्षात माँ लक्ष्मी, उनको यह लगे कि नहीं, मुझे इनके पास विराजित होना है। तो ऐसी अपनी गुणग्राहिता, ऐसा अपने भीतर हमें पवित्रता, ऐसा अपने अंदर सभी के प्रति यह शुभ भाव, यह शुभ कामना यदि हम अपने भीतर धारण करेंगे तो क्यों नहीं, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, साथ साथ वे सदैव हमारे पास विराजित होकर रहेंगी। आप सभी को दीपों के उत्सव, जिसको दिवाली भी कहते हैं, दीप उत्सव भी कहते हैं, और साथ में नौ वर्ष, जिसको हैप्पी न्यू ईयर भी कहते हैं, साल मुबारक भी कहते हैं, नया साल मुबारक भी कहते हैं, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और दिल से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।